ड्रामा सीरियल मेरा दिल मेरा दुश्मन एपिसोड 63 में आप देखेंगे, जब परवीन बेगम को जफर की वसीयत का इल्म हुआ तो उनको इस बात पर बहुत गुस्सा था। जफर ने आधी प्रॉपर्टी मायरा के नाम क्यों की। इसके बाद आयशा शाहमीर के पास आई। शाहमीर, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आईंदा ऐसी गलती नहीं करूंगी। आयशा, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती हो तो मैं भी मायरा से उतनी ही मोहब्बत करता हूँ, मैं अब मायरा को पाने की हर मुमकिन कोशिश करूंगा। शाहमीर की बात पर आयशा रोते हुए कमरे में चली गई, जबकि शाहमीर बैठा सोच रहा था कि किस ने एक दफा फिर मुझे मायरा को हासिल करने का मौका दिया। इस दफा मैं मायरा को किसी सूरत नहीं खो सकता। अगले दिन वकील आया और हालत साहब को तमाम प्रॉपर्टी के कागजात देकर गया। हालत साहब ने आयशा का हिस्सा उसे और मायरा का आधा हिस्सा उसे दे दिया, जबकि परवीन बेगम ने हालत के जाने के बाद मायरा से कहा, जफर ने जो वसीयत की है मैं वो फाड़ कर फेंक दूंगी, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं लेने दूंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मजीद आप देखेंगे। आयशा ने परवीन बेगम को बताया, शाहमीर फिर से मायरा से करने का सोच रहा है, बड़ी अम्मी आप प्लीज उसे रोक ले। इस पर परवीन बोली, तुम परेशान ना हो, मैं अभी जाकर शाहमीर से बात करती हूँ। परवीन ने शाहमीर को पूछा, क्या आयशा सच कह रही थी, तुम मायरा से शादी कर रहे हो? शाहमीर, अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, अब अगर आप मेरी जान भी ले लें तो भी मुझे कोई परवाह नहीं, इस दफा मैं अपने फैसले से पीछे नहीं हटूंगा। परवीन बेगम ने जब देखा शाहमीर तो इस बात का पुख्ता इरादा कर चुका है, तो उन्होंने हालत साहब से कहा, आप शाहमीर से बात करें। हालत ने शाहमीर को साफ कह दिया, आयशा मेरे भाई की निशानी है और मैं तुम्हें उसके साथ ज्यादती नहीं करने दूंगा, तुम्हें अपना फैसला बदलना होगा। इस पर शाहमीर, आयशा ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी है, इसके बाद जूद भी मैं उसे कबूल कैसे कर लूं, मैं बहुत जल्द मायरा को शादी के लिए राजी कर लूंगा। शाहमीर की बात पर हालत साहब को बहुत सदमा हुआ और उनकी हालत खराब हो गई, जबकि मायरा ने हालत साहब से कहा वो अपने भाई के घर जाना चाहती है। जब मायरा जाने लगी तो शाहमीर ने अपने दिल की बात उसे बता दी, मायरा जिंदगी ने हमें फिर से एक होने का मौका दिया, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में दोबारा शामिल करना चाहता हूँ। शाहमीर की बात सुनकर मायरा ने कोई जवाब ना दिया और जावेद भाई के घर चली गई। वहां जाकर मायरा सिर्फ शाहमीर की कही जाने वाली बात के बारे में सोचती रही। तो फ्रेंड्स, क्या मायरा को शाहमीर से शादी के लिए मान जाना चाहिए? अपनी राय तो कमेंट्स में बताएं, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक के साथ साथ शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। शुक्रिया।